नॉर्मल इडली तो हम सबने खाई है, और दही इडली और सांभर। ये भैया मेरी प्लेट जम गई दही इडली वाली। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अपने सिस्टर इन लॉ के घर में, और यहाँ हो रही है बहुत खातिरदारी। मैं आपको दिखाता हूँ कि खातिरदारी कैसे हो रही है। आज मैं खाऊंगा दही इडली। हेलो गाइस, बोलो क्या बोल रहे हो। और ये चलो मैं आपको दिखाता हूँ दही इडली कैसे बन रही है। ये भाई, ये मछली के साथ थोड़ी ना इडली खाएंगे। ये देखो, ये भैया मेरी प्लेट जम गई दही इडली वाली। और ये दही इडली हमने सबसे पहले खाई थी वहाँ पे। कहाँ पे खाई थी यार? औरंगाबाद में मैंने देख के आया था दही इडली, बहुत सही लगी थी भाई। मजा आ रहा। नॉर्मल इडली तो हम सबने खाई है, और दही इडली और सांभर। तो आप लोग भी घर पर ट्राई करो, पहले इडली बनाओ फिर उसके बाद दही। दही के अंदर, अरे दही के अंदर क्या क्या डाला? चीनी डाला और कड़ी पत्ता, चीनी नमक कड़ी पत्ता सांभर, मामी जी बता रही है काला मिर्च का पाउडर। ये कुछ तो है यार, ये मैं दिखाता हूँ, ये मिर्च है ये। फिर इसको ऐसे डुबो डुबो के इसके अंदर आ रही, ये पूरा दही भर जाए तब खाने में मजा आएगा ना भाई। दही थोड़ी कम पड़ गई है, देखो टेस्टी। मामी माँ बहुत बढ़िया बना, जबरदस्त। तो एक दो इडली और दो ना। ये भाई दो इडली और दे दो भाई, जमाई आदमी हम। इडली में 10 दूंगी, दही कम है, तो दाल के साथ खा। मामा जी भी मस्त तरीके से खा रहे हैं। वाह मामा जी, भालू लगे थे भालू। हाँ एक इडली दे रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो। अरे तुम दो भाई, दामाद आदमी कम नहीं पड़ना चाहिए। वीडियो में बता दूंगा मैं लोगों को। तो भैया दही इडली में जो दही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इडली तो आपको मार्केट से भी मिल जाएगा। आलम भाई ये है कि दही की इडली इतनी बढ़िया बनी है कि अब कम पड़ गया, क्योंकि जमाई ने सारे खा लिए। तुम्हें मिला? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे मैंने खा लिया। क्या बोला आपने मराठी में? मनीष के तो मैं समझ गया था। गजब बेइज्जती है। अबे कल दोबारा बनना चाहिए। अबे यार ये खाने के बाद फिर सांभर खाऊंगा मैं। इडली खा लिया, बढ़िया बना है। बट इसमें ये वाली चीज नहीं थी यार वहाँ पे औरंगाबाद में। उडली ये मिर्च नहीं था वहाँ पे, नहीं ये मिर्च वाला आइटम बहुत सही है भाई। ये हमने औरंगाबाद में भी नहीं खाया था। तो ये लोग इनका दिमाग है ये। बढ़िया बढ़िया, मामी जी बहुत सही दिमाग लगाया। मामी जी तो बहुत सही दिमाग लगाया, मस्त बना भाई, मजेदार बना पूरा साफ। हाय हाय हाय। दही में आपने क्या क्या दिया? एक तो आपने वो दिया शक्कर के साथ दही की पिसाई कर दी, दूसरा आपने रवा डाल दिया। रवा और राई डाला, राई डाला। रवा भी डाला यार? रवा नहीं ना, राई डाला। फिर उसके बाद सूखी मिर्च को फ्राई किया, फ्राई करके फिर डाला। फिर इलायची भी डाला, और इलायची पिसाई करके डाला ना। और फिर उसके बाद काली मिर्च, काली मिर्च का गुड़ो। और राई मतलब सरसों डाला। बढ़िया। अभी आप क्या बना रहे हो? अरे देखो जमाई की खातिरदारी करने के लिए मछली भाजा बन रहा है। बंगाली लोग हैं तो हमारा ये सबसे फेवरेट डिश है, ठीक है। एक और सब्जी पता चली है जो यहाँ पे बनती है, बांस की सब्जी। मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोगों ने बांस की कभी सब्जी खाई होगी, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसी सब्जी है। ये देखो, ये बांस की सब्जी है। बांस मीन्स बंबू, बंबू की सब्जी है ये। और दिखने में बढ़िया लग रहा है, खाने में भी बढ़िया लग रहा है। और गुड्डी आप बताओ खाने में कैसा है? बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही टेस्टी है। पकाने का तरीका है जैसे मीट को पकाते हैं वैसे ही इसको पकाना पड़ेगा। तो दो डिश आज हमको पता चली, एक है दही इडली और एक है बांस की सब्जी। तो मतलब डिफरेंट है, मैंने भी खा के देखा, इट्स ऑसम। बनता कैसे वो भी बता दूं। ये बनता ऐसे है ना कि जब बांस, अरे सुनो ना, बांस जब छोटा रहता है, बांस का जब जैसे वो कली आती है उसको निकाल देते हैं,
और आई गेस नेपाल वेपाल में इसका अचार भी बनता है, तो उसी को काट के फिर इस तरीके से बना के इसकी सब्जी बनाई जाती है। पौष्टिक भी है, बढ़िया भी है और अच्छा भी बनता है। जब उगता है हाँ, तो उसको कोई भी मड़का वड़का से ढकना पड़ता है। अच्छा, ढकने के बाद उसके अंदर वो सफेद गोल एकदम नरम रहता है। अच्छा, तो उसी को काट काट के नहीं तो सब्जी बना देता है। अच्छा 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 अच्छा, तो ऐसे नहीं है, ऐसे तो बांस का जो कलम निकलता है उसी से ही तो होता होगा। उसी को ढक के रखना पड़ता है। अच्छा, ढक के रख, जंगल मतलब टेस्टी वो वाला लगेगा जिसको ढकेंगे। जंगल में क्या है, जैसे उठता है तो मट्टी के नीचे से खोद कर निकालते हैं। हाँ, ओके सफेद वाला, सफेद वाला, नरम वाला, पहले गर्म वाला, वो मस्त मस्त लगता है। वही है, ये थोड़ा कड़क हो गया मालूम है, जो ऊपर आ जाता है इसमें। अच्छा, तो मैं भाई वीडियो पे ज्ञान बेल रहा था, पापा जी उधर से आए, कह रहे कि ऐसा नहीं होता, फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक्चुअल में इसका प्रोसेस है। तो बढ़िया है, आज हमको दो डिश पता चली यूनिक, जो मैंने भी कभी नहीं, एक तो खाई थी बट एक नहीं खाई थी। भाई एक और चीज बन रही है, वो आज मैं आपको बताता हूँ, बंगालियों में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता पीठे। पीठे को क्या बोलते मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते, टेलर पीठे होता है, कुलीर पीठे होता है, तो मामी माँ हमारे यहाँ रखी है, और वो पेठा अलग चीज होता है पापा जी, पेठा अलग होता है, और पाटी सप्टा भी है, पाटी सप्टा बोलते हैं। एक मिनट रुको, ये चावल का बना है और इसके अंदर मावा बहुत बढ़िया बन रखा है, ठीक है, और ये है तेलर पीठे। ये भैया खाने की बड़ी खातिरदारी हो रही है, मजेदार मराठी आइटम खा खा के बोर हो रहा था। हाँ बाबा जी, अरे आप ताने मत मारो अब पापा जी के, एक्चुअली पापा जी ताने मार रहे हैं कि जमाई पुराना होने पर कुछ नहीं मिलता है। तो जो हमारी मामी है वो सिस्टर इन लॉ है मेरे पापा जी की, तो अब मेरे को मिल रहा है तो पापा जी ताने मार रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया